पेनल्टी लगेगी बोलकर सुबह से धमकी दे रहा है। एक बात कान खोलकर सुन ले भिड़े, तू गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेवर सेक्रेटरी है ना, तो मैं भी गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, तेरी पेनल्टी में डबल पेनल्टी लगा दूंगा, समझा? मेरा नाम भी आत्माराम तुकाराम भिड़े है, मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तारीख बदली होने से पहले तुमसे आज किसी भी हालत में चेक पे साइन लेकर रहूंगा। ये खूबसूरत मखमली रुमाल आप सबकी होने वाली भाभी का है। ओहो, वाकई में ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बबनलाल। सच में? ओ बल्लो 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 पप्पू, ये तो कमाल हो गया। ओ पहले टक्कर, प्यार का चक्कर। अरे ये थोड़ी, ये तो एकदम फिल्मी स्टोरी है। सही बात है भाई, ये तो किसी किताबी रोमांटिक स्टोरी की तरह बात हो गई। ओ कमाल हो गया, वो साइकिल वाली लड़की अपने पप्पू को डबल सीट में बिठा के भी ले गई, इसका दिल भी ले गई। तो ये रेशमी रुमाल और साइकिल वाली भाभी जी का है? यही है उस लड़की से मेरी मुलाकात और मोहब्बत का खूबसूरत सबूत। तो बबन लाल मिल गई लड़की साइकिल वाली। लड़की साइकिल वाली, ड्रिंग, 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 ड्रिंग। खुशियों के दिन आए खत्म रात हुई काली। लड़की साइकिल वाली मिल गई। वाह वाह वाह, मैं तो सब वाहत हो गया। क्या मतलब, समझ में? क्या गजब कुछ शब्द का यूं था कि भाई अब इन्हें लड़की मिल गई है। जानते छोड़े ना अभी। ओ ये तो बता, हमारी होने वाली परछाई देखने में कैसी है? बहुत 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 खूबसूरत। अब्दुल, आज सबको मेरी तरफ से एक एक सोडा और पिला। क्या? थैंक यू यारा। अरे भाई पोपटलाल, तुमने उस अनजान लड़की को हमारी भाभी तो बना दिया, लेकिन उसका नाम क्या है? ना दसो। मेहता साहब, नाम पूछने से पहले मेरा फोन आ गया, फिर उसका फोन आ गया, और उसी गड़बड़ में वो चली गई। अरे फिर पोपटलाल, हमारी होने वाली भाभी का कुछ अता पता कुछ है कि नहीं? अय्यर भाई, नाम अता पता कुछ नहीं पता। अरे बाप रे, तो अभी वो साइकिल वाली भाभी जी का पता कैसे चलेगा? जेठालाल, हमारे तूफान एक्सप्रेस में राशि भविष्य लिखने वाले पंडित जी से मैंने पूछा था, तो उन्होंने बताया कि उस लड़की से जहाँ मेरी पहली मुलाकात हुई थी वो जगह मेरे लिए शुभ है। अच्छा? उससे पुनः मिलन का योग उसी जगह है, तो मैं वहीं जाकर उसके इंतजार में खड़ा था। अरे फिर पोपटलाल, तुमको कुछ पता चला? वो साइकिल वाली पर जाएगा, कुछ क्यों मिला? नहीं मेरे दोस्त, सोड़ी नहीं, मैं पिछले 3 घंटे से रास्ते के उसी मोड़ पर खड़ा था, उसका इंतजार करता हुआ कि मुझे उसकी साइकिल की ट्रिन ट्रिन सुनाई दे। तुम्हारे चेहरे के भाव बता रहे हैं कि इतना इंतजार करने के बाद भी वो लड़की आई नहीं? नहीं मेहता साहब, वो नहीं आई। ओहो पोपटलाल, ऐसे किसी अनजानी लड़की का पता इतने बड़े शहर में तुम कैसे लगाओगे? हाथी भाई, हमारे तूफान एक्सप्रेस के पंडित जी ने मुझे ये भी बताया है कि उस लड़की से मिलने के लिए मुझे कठिन परिश्रम करना पड़े, इसलिए मैंने फैसला किया है कि कल सुबह फिर एक बार मैं रास्ते के उसी मोड़ पर जाकर उसका इंतजार करूंगा। अरे पोपटलाल, जब तक वो साइकिल वाला लड़की नहीं मिलेगा तब तक तुम उसी रोड पे खड़ा रहेगा। हाँ यार भाई, जब तक आपकी होने वाली भाभी नहीं मिलती तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, उसी रास्ते पर खड़े रहकर उसका इंतजार करूंगा, उसे मिलने के लिए तपस्या करूंगा। लेकिन वो लड़की जरूर आएगा, उसका गारंटी क्या है? अय्यर भाई, अभी आज का राशि भविष्य सही साबित हुआ है, तो हो सकता है स्वामी जी का या दूसरा राशि भविष्य भी सही साबित हो। सही बात है। हाँ। बाबू, तेरे कठिन परिश्रम को सैल्यूट है यारा। ओ देखना, तेरे को साइकिल वाली लड़की जरूर मिलेगी। सही बात है बाबूलाल, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों,
मुझे आप सबकी दुआओं की सख्त जरूरत है। ये भी कोई कहने की बात है बप्पट लाल, हम सबकी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है भाई। गोकुल धाम में सबका सब कुछ सबके साथ होता है। सही बात है, सबका सब कुछ सबके, क्योंकि ज्ञानी कह के गए हैं ना, असली मजा सबके साथ आता है। चलो बप्पट लाल, इसी खुशी में ये तुम्हारा जो मेंटेनेंस का चेक है जिसपे तुमने साइन नहीं किया था, इस पे साइन कर। भिड़े, तुझमें कुछ अक्कल वक्कल है कि नहीं? यहाँ मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तू बीच में मेंटेनेंस का चेक घुसेड़ रहा है। अब तो मैं सच में चेक पे साइन नहीं करूंगा। पोपट लाल मेरी बात सुनो। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। सुबह भी इसने मुझसे झूठ बोलकर मेरा बायोडाटा मंगवाया, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मैंने खिलवाड़ क्यों किया ये भी तो बताओ सबको। मैंने सुबह इसको 3 से 4 बार फोन किया कि भाई मेंटेनेंस के चेक पे साइन कर, लेकिन नहीं, बार बार इसने मेरा फोन काटा। तो इसे रोकने के लिए और चेक पे साइन लेने के लिए मुझे बहाना बनाना पड़ा। और वैसे भी पोपटलाल, मैं अपने सेक्रेटरी होने के कर्तव्य का पालन कर रहा था। तेल लेने गया तेरा सेक्रेटरी होने का कर्तव्य? अच्छे खासे मूड की बैंड बजा दे पोपटलाल। वैसे भी मैं तुम्हें पेनल्टी ना लगे इसलिए बोल रहा था। अरे पेनल्टी की तो बात ही मत करना मुझसे। पेनल्टी की बात मत करना। अरे पप्पू, ओए ठंडे लग यार, शांत हो जाओ और पिड़ू की बातों को भूल जा। अरे क्या शांत हो जाऊं छोड़ी, ये भीड़े सपने में भी आकर चेक पे साइन मांगेगा। ला बेला तेरा चेक दे, अभी के अभी साइन कर दे, ला चेक दे। सोसाइटी का काम है साइन 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 साइन, सुबह से लगा रखा है साइन साइन साइन। काम है तो सोसाइटी का काम है। क्या मतलब क्या? ठीक है कर रहा है ना अभी साइन, साइन कर रहा है, कर रहा हूं ना अभी साइन। ये ले भाई साइन हो गया, ले भाई ले, थैंक यू। अरे हां सुन, चेक बैंक अकाउंट में 4 दिन के बाद ही डालना भाई, अभी थोड़ा बैलेंस का प्रॉब्लम है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, 3-4 दिन बाद डालूंगा, लेकिन 3-4 दिन बाद चेक पास हो जाएगा ना? हो जाएगा मतलब बिल्कुल हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ ना तो मैं चने की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं चने सिंह बेचकर भी तेरे मेंटेनेंस के पैसे दे दूंगा। ओ पप्पू, ओ बीच में चनों को क्यों मार रहा है यार? सोड़ी, पत्रकार पोपटलाल जब एक बात बोल देता है ना तो पत्थर की लकीर बन जाती है, उसे वो पूरी करके रहता है। ठीक है यार, बात का बतंगड़ मत बना, चल भैया भैया देखो ना यार, मिट्टी पाओ। ओ यारो, ओ सब मिलकर दुआ करो कि अपने पप्पू को साइकिल वाली लड़की मिल जाए। वाह वाह पवन भाई, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। नहीं नहीं पोपटलाल, तुम्हें हमारी होने वाली भाभी जरूर मिलेगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई सब मिलकर इस छोटा को खत्म करें, पोपटलाल की तरफ से एक छोटा भी बाकी है। माधवी, हाँ बाजी प्रभु किला जिंकू ना दिलाए। बाप रे क्या हुआ, इतनी खुश क्यों है? अरे खुश खबर है, खुश खबर। जाओ हमारे गोकुलधाम साम्राज्य के सभी घर में ये खबर पहुंचा दो के गोकुलधाम सोसाइटी के सेनापति उर्फ एक में सेक्रेटरी आत्माराम तुकारा भिड़ी ने जो प्रण लिया था उसको पूरा कर दिया है। जाओ जाकर ऐलान कर दो। ओ सेनापति कम मेरे पति, घोड़े से नीचे उतरिए, तलवार मैन कीजिए। हाँ अब बताइए एग्जैक्टली कौन सा पराक्रम करके आया है? माधवी ये है मेरा पराक्रम, आत्माराम तुकाराम भिड़े का जीत का लिखित नामा, पढ़ो। क्या है इसमें? पोपटलाल का मेंटेनेंस का चेक। मैंने बोला था ना माधवी, आज रात को 12 बजे से पहले पहले मैं इस चेक पे पोपटलाल की साइन लेकर रहूंगा। मैंने साइन ले ली है। अरे वाह अभिनंदन, अब तो कल सुबह लेजिम वाले और पालकी वालों को बुलाना पड़ेगा। वो किस लिए? अब पोपट भौजी का चेक ऐसा पालकी में रख के बैंक पे डिपॉजिट करने जाना पड़ेगा ना, लेजिम करते करते। लेजिम थांबो, तो चेक फाटेल बड़ी मुश्किल से मिला है। नहीं नहीं, और वैसे भी कल के कल चेक बैंक में नहीं डालना है, 4-5 दिन बाद डालना है। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि बैंक में बैलेंस नहीं है, तो 4-5 दिन बाद डालो। हे बरोबर रही है, फिर तो आपकी जीत आधी हो गई। नहीं नहीं आधी नहीं, पूरी जीत है मेरी। अरे पोपटला से चेक साइन करवाना मतलब हिमालय चढ़ने जितनी बड़ी बात है। क्या वो छोड़ो, और एक खुशखबरी है। का है? और किसका चेक मिला? नहीं नहीं चेक नहीं, पोपटलाल खुद प्यार में चेकमेट हो गया है। म्हणजे? अरे पोपटलाल ने बोला था ना कि आज उसके राशि भविष्य में लिखा है कि उसकी आज कोई खास व्यक्ति विशेष से मुलाकात होने वाली है। ओ, तो वो राशि भविष्य सच हो गया है। हा?
हाँ माधवी, पोपटलाला सुबह सुबह एक साइकिल वाली लड़की से टकराया, और इतना ही नहीं उस साइकिल वाली लड़की ने उसको लिफ्ट भी दी। मतलब वो लड़की ने सामने से लिफ्ट दी पोपट बाबू जी को? हाँ, और अभी सोडा शॉप पे उसने सबूत के तौर पे उस लड़की का रुमाल भी दिखाया। ऐसे घट्ट पकड़ के बैठा था माधवी। पोपटलाल को पूरा यकीन है कि राशि भविष्य के हिसाब से उसकी जोड़ी उस साइकिल वाली लड़की से जम जाएगी। ये तो कमाल हो गया। मत? क्या हुआ, इतना क्यों हंस रही है? और सासू माँ ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि सुनते ही मैं भी खुश हो जाऊंगा? माने आपका मस्त एक नया नाम रखा है। अच्छा, तो जानना नहीं चाहोगे कि क्या नया नाम रखा है? नहीं, मुझे नहीं जानना है। अरे अरे, जानिए ना, मजा आएगा। मुझे कोई मजा नहीं करनी है। अरे अरे, देखिए, माने आपका नया नाम रखा है हस्तामत। हस्तामत, हस्तामत तो बोलूंगी। अरे, मेरा नया नाम सुन के मैं कभी नहीं हंसता, तू ही हंसती रहती है हमेशा। तो माने नाम रखा है मसाला बटेटा। मैं मसाला बटेटा तो तू क्या लविंग यू मर्चू? अरे बापूजी, अभी तक सोए नहीं? मैं बस यही देखने आया था कि तू सोडा पीकर घर आ गया कि नहीं। नहीं नहीं, आ गया आ गया। लेकिन इतनी देर क्यों हो गई? तेरी वजह से बहू को भी जागना पड़ता है। नहीं नहीं, हम सब निकलने वाले थे, इतना मैं पोपटलाल की वजह से रुकना पड़ा। क्यों, पोपटलाल ने सबको पकड़ के रखा था कि नहीं जाने लूंगा, नहीं जाने लूंगा? नहीं नहीं, उसने बात ही कुछ ऐसी की कि हम सब अपने आप रुक गए। अच्छा, ऐसा क्या कहा उसने? उसने कहा कि लगता है मुझे मेरी जीवन संगिनी मिल गई है। हैं? ओहो, क्या कह रहे हैं टप्पू के पापा? पोपट भाई का रिश्ता तय हो गया? नहीं, रिश्ता तय नहीं हुआ है। तो फिर आपने ऐसे क्यों बोला कि पोपट भाई को उनकी जीवन संगिनी मिल गई है? हाँ भाई, उसने हम सबको ऐसा बोला कि भाई उसे उसकी जीवन संगिनी मिल गई है, तो मैंने आप लोगों को बोला कि उसको उसकी जीवन संगिनी मिल गई है। अच्छा अच्छा, तो वो लड़की कौन है, क्या नाम है उसका, वो कहाँ पर रहती है, घर में कितने लोग हैं, वो कुछ काम करती है मुंबई में रहती है कि मुंबई के बाहर रहती है, और नौकरी करती है, बिजनेस करती है कि कुछ करती ही नहीं? बस 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 दया, बस तूने ये जो सारे सवाल दागे, मेरा मतलब है जो सवाल पूछे उसमें से एक भी सवाल का जवाब मुझे तो क्या पोपटलाल को भी नहीं पता। ये क्या बात हुई? अपू जी, दरअसल क्या हुआ कि आज सुबह वो ऑफिस जाने के लिए निकला तो उसे लेट हो गया, और फिर हुआ यूं कि लड़की कुंवारी है और उसके बच्चे भी नहीं है। मजाक कर रहा हूँ बापू जी। ऐसा मजाक नहीं करते। सॉरी। हाँ तो दया, वो लड़की कुंवारी है, इसके आगे पोपटलाल को उस लड़की के बारे में और कुछ पता नहीं। अरे रे, तो इतने बड़े मुंबई शहर में बेचारे पोपट भाई वो साइकिल वाली लड़की को कहाँ ढूंढेंगे? ठीक, अब फिर से पोपट अंधेरे में तीर छोड़ेगा। नहीं नहीं बापू जी, उसके तूफान एक्सप्रेस के ज्योतिष ने उसको बताया कि आज वो साइकिल वाली लड़की पोपटलाल से जहाँ टकराई, अगर कल वो वहीं जाके उस लड़की को ढूंढेगा तो हो सकता है शायद वो लड़की मिल जाए। अरे वाह, माता जी करे पोपट भाई को वो साइकिल वाली लड़की जल्दी मिल जाए। अरे दया, वो साइकिल वाली लड़की तो पोपटलाल को मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन फिलहाल तो पोपटलाल को उस लड़की का रुमाल मिल गया है। क्या कह रहे टप्पू के पापा, पोपट भाई को उस लड़की का रुमाल मिल गया? वाह वाह।
हाँ, और उस रुमाल को पोपटलाल अपने प्यार की निशानी समझकर अपने दिल से लगा के बैठा है। ट्रिन ट्रिन, ट्रिन ट्रिन, कितनी सुंदर है मिस ट्रिन ट्रिन। हे भगवान, जैसे राशि भविष्य की आज की सारी बातें सच हुई है, पंडित जी की बाकी सारी बातें सच हो और जल्द ही मुझे मिस ट्रिन ट्रिन मिल जाए। ट्रिन ट्रिन, ट्रिन ट्रिन, ट्रिन ट्रिन। कल यही वक्त था जब मिस ट्रिन ट्रिन मुझे यहां मिली थी। हे भगवान, आज फिर से उसे मिला दे तो मैं 21 गरीब बच्चों को साइकिल गिफ्ट करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं आज बारिश की वजह से वो आए ही ना। आ गई। थैंक यू भगवान, तूने मेरी सुन ली। भाई वाह, क्या मुलाकात हो रही है। आपको तो बिल्कुल ख्वाब की तरह लग रहा होगा ना ये, लेकिन होता है। जब एक अनजान लड़का एक अनजान लड़की से मिलता है तो ऐसा ही होता है। दोनों के पास एक दूसरे से कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन कह नहीं पाते, हिम्मत नहीं होती, शर्मा जाते हैं। अब आप इसे शर्म कहिए, डर कहिए, जो चाहे कह लीजिए, लेकिन कह नहीं पाते। होठ बड़े खैर होते हैं, बोल नहीं पाते, आंखें बहुत कुछ कह देते हैं, प्यार भरी बातें करना चाहते हैं एक दूसरे से। और यही हाल हमारे पत्रकार पोपटलाल का है। अब पोपटलाल इस मुलाकात में क्या करते हैं ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।